तो यह है फोर्ड फेस्टा डीजल इंजन है, इसमें धुएं की प्रॉब्लम है, तो अभी आपको दिखाते हैं और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेटर दो, वाह, एक बार और, क्या धुआं धुआं, बस बंद कर दो। तो इसको ईजीआर खोलेंगे, ईजीआर को क्लीनिंग करेंगे, टर्बो भी चेक कर लेंगे, टर्बो में प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी ईजीआर क्लीनिंग करके इसका रिजल्ट देखते हैं। खोलता हूँ मैं इसको, ईजीआर को। तो अब ये ईजीआर मैंने खोल लिया है, ये होता है ईजीआर, इसके अंदर की सफाई करनी है। टर्बो भी हमने चेक करा, टर्बो देख लेते हैं, चल जाएगा, थोड़ी पिले है। तो ये है, तीन पेच होते हैं इसमें, एक इधर भी है, इसको खोल खोल दिया और ये पाइप को यहाँ से निकाल दिया था, पहले ही निकाल दिया हमने, इसमें ही जॉइंट होती है, तो इसको हटा रहा हूँ मैं, हटाओ भाई। तो ये होता है इसका सेंसर, ईजीआर का, ईजीआर की मोटर होती है। तो ये ईजीआर वाल है, देखते हैं इसको साफ ऑफ करते हैं फिर। तो ये इनटेक की पाइप वगैरह भी साफ़ करनी पड़ेगी, इसमें सारी क्लीन होती है, ये रही। तो ये पूरी फिटिंग की वीडियो दे रहा हूँ मैं, पूरी ईजीआर फिटिंग की, जैसे हमने खोलने के तो दिया नहीं, इसमें पूरी फिटिंग की वीडियो है ये। तो इधर भी ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग पे ध्यान देना होता है, कहीं ये फट तो नहीं गई, अगर फट गई होती तो इसको दूसरी लगाते हम, अभी फ़िलहाल ये सही है तो हम इसी को रहने देंगे। और अब ईजीआर को जो मोटर है उसको ही फिटिंग करते हैं हम, ईजीआर की मोटर ये रही, इसकी फिटिंग करेंगे हम। तो इसमें ये रिंग वगैरह लगती है, इसको अच्छे से क्लीन करा है, क्लीन करने के बाद अब इसकी फिटिंग कर लेंगे प्रॉपर फिटिंग करके फिर आपको लगा करके दिखाते हैं। पूरी कंप्लीट है वीडियो, ये पूरी कंप्लीट वीडियो है ये ईजीआर फिटिंग की। लास्ट में आपको धुआं भी चेक करवाएंगे हम, धुआं कैसे कम हुआ है वो भी दिखा देंगे। क्लीन हो चुका है खूबसूरती तरीके से एकदम। खूबसूरती के साथ उसमें लगा हुआ, लगा हुआ उसे निकालो। तो फिट करते हैं ईजीआर को अब। इसमें दो ही बोल्ट होते हैं, दोनों को लगाएंगे।
एक नीचे होता है, एक ये रहा, ये जो दिख रहा है, दो बोल्ट होते हैं इसमें। और ये EGR मोटर का कपलर, इसको भी साथ ही लगा देंगे। इधर की फिटिंग होगी कंप्लीट। अब ये रही, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पाइप लगेगी एग्जॉस्ट गैस की पाइप यहाँ से, और यहाँ इनटेक में आ जाती है ये, तो यहाँ से यहाँ तक। जैसे उसकी करते हैं ना हम इंटीग्रेट टाटा वगैरह की, अरे वैसी लॉक, लॉक तो वैसी होगा लेकिन लॉक तो होती तो ना हो बहन की लोड़ी। लो मैं करके दिखाऊं गाड़ी का। तो ये दोनों पेज भी लगा दिए, दो स्क्रू होते हैं इसमें, ये भी लग गए। ये लॉक भी है इसका, ये भी लगा दिया। ये देख लो आप, ये लॉक, ये सारे टाइट कर दिए हमने ये बोल्ट। अब इसकी क्लिप भी टाइट कर लेते हैं। तो ये है एयर डक्ट पाइप, जो कि एयर फिल्टर में नीचे, सबसे नीचे लगती है। ये एयर डक्ट पाइप होती है, ये घूम के इधर आती है और सोकर के पास लगी हुई होती है, बैटरी के ऊपर से होकर सोकर के बोल्ट में टाइट होती है। अब लगाते हैं इसका एयर फिल्टर, एयर फिल्टर लगा देते हैं। एयर फिल्टर असेंबली है ये, ऐसी गाड़ी तो फिर तो हम भी चेक कर ले करेंगे। हैं ले जाओ गाड़ी, घर पे ले आवे, छोड़ गया मैं। अब पैसे ना दे तो कोई बात नहीं, बहुत जो की बात है सर। तो ये है MAF सेंसर, एयर मास फ्लो सेंसर, एयर मास सेंसर भी बोल सकते हैं। तो लगा दिया इसका कपलर भी, लगा दिया एयर मास सेंसर का। तो यहाँ पर एक पेच होता है एयर डक्ट पाइप का, वो भी टाइट कर देंगे मेरा। तो ऑलमोस्ट फिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब इंजन कवर भी लगा दिया इसका, कंप्लीट कर दिया। ये देखो आप, मतलब सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ स्टार्ट करो। दो थोड़ा तेज दो, तो धुआं तो गायब हो गया। अब तो चलने में भी बहुत स्मूथ है अब, पहले उतना मतलब पिकअप नहीं था, अब इसमें पिकअप आ गया है। EGR क्लीन होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो रोड टेस्ट कर लेते हैं।
वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching.